नमस्कार, राष्ट्र को समर्पित ओटीटी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ सलोनी सरी। दक्षिण भारतीय फिल्मों के भगवान, साउथ के सुपरस्टार, भारत के थलाइवा। अब इन तीन लाइनों से आप समझ ही गए होंगे कि आखिर हम इस वीडियो में किस सुपरस्टार के बारे में बात करने जा रहे हैं। शिवाजी राव गायकवाड़ उर्फ रजनीकांत का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में है। वजह बहुत खास है। सुपरस्टार रजनीकांत को भारत सरकार ने साल 2019 के दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित करने का ऐलान किया है। जी, इस बात का ऐलान केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया है। बता दें, सुपरस्टार रजनीकांत को 3 मई को राष्ट्रपति के हाथों दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। रजनीकांत को दिलदार और दूसरों की मदद करने वाले शख्स के तौर पर जाना जाता है। भारत के सबसे बड़े फिल्म पुरस्कार की जानकारी मिलते ही रजनीकांत ने फिर अपने बड़प्पन का परिचय दिया। रजनी ने फाल्के अवार्ड पर खुशी जताते हुए कहा, इस संघर्ष के साथियों को समर्पित कर दिया। थलाइवा ने सबसे पहले उस दौर को याद किया जब वो एक आम बस में कंडक्टर की जिंदगी बसर कर रहे थे। रजनीकांत ने उस मुश्किल दौर में दोस्त बने राज बहादुर को सबसे पहले याद किया और दादा साहेब फाल्के अवार्ड को दोस्ती के नाम समर्पित कर दिया। जिंदगी के बड़े मौके पर बोलते हुए रजनीकांत ने कहा, उन्होंने ये अवार्ड उन्हें समर्पित किया है जिन्होंने वक्त रहते उनकी काबिलियत को पहचाना था। जब जीवन में रजनीकांत पाई पाई के लिए मोहताज थे, तब बड़े भाई सत्यनारायण राव गायकवाड़ ने अपना सब कुछ छोटे यानी रजनी के लिए न्यौछावर कर दिया। इसी मदद से वो फिल्म जगत का संघर्ष जारी रख पाए। आखिर में रजनी ने अपनी जिंदगी के सबसे खास शख्स को याद किया। ये हैं उनके गुरु बालचंदर। रजनीकांत ने इस मौके पर कहा कि उनको मिला सम्मान उनके गुरु को समर्पित है जिन्होंने एक आम आदमी को रजनीकांत बनाया। इससे पहले रजनीकांत के घर पर ढेरों सम्मान अवार्ड की कतार रखी है। हालांकि दादा साहेब फाल्के सम्मान इन सभी सितारों में सूरज चांद की तरह हैं। रजनीकांत को सिनेमा में योगदान के लिए तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड, फिल्म फेयर साउथ अवार्ड, विजय अवार्ड जैसे कई सम्मान मिल चुके हैं। भारत सरकार रजनीकांत को 2010 में पद्म भूषण और 2016 में देश के दूसरे सर्वोच्च अवार्ड यानी कि पद्म विभूषण से नवाज चुकी है। अब दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के ऐलान के साथ रजनीकांत की गौरवमयी फिल्म यात्रा में एक और सुनहरा अध्याय जुड़ गया है। हालांकि दूसरी तरफ फाल्के अवार्ड के ऐलान के साथ ही राजनीति में नई हलचल पैदा हो गई है। कुछ लोग इसे हालिया तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। बता दें, 6 अप्रैल को तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव का मतदान है, 2 मई को नतीजे आएंगे। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि रजनीकांत ने खुद की पार्टी बनाकर तमिलनाडु विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। इसके लिए रजनीकांत ने बड़े पैमाने पर काम भी शुरू कर दिया था, लेकिन बाद में हाई ब्लड प्रेशर और दूसरी बीमारियों के चलते उनको लंबे अरसे तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। तब तबीयत खराब होने का हवाला देकर रजनीकांत ने सक्रिय राजनीति से हाथ पीछे खींच लिए थे। उस दौर में रजनी ने भाजपा के साथ गठबंधन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी शीर्ष नेतृत्व से बात भी की थी। रजनीकांत बनने का सफर इतना आसान नहीं था। 12 दिसंबर 1950 को बेंगलुरु में शिवाजी राव गायकवाड़ का जन्म हुआ। यही शिवाजी राव आगे चलकर रजनीकांत बने। रजनीकांत 5 साल के थे तभी उनकी मां का निधन हो गया। मां के निधन के बाद इस परिवार के लिए घर चलाना इतना आसान नहीं था। रजनीकांत ने घर चलाने के लिए कुली तक का काम किया। सुपरस्टार बनने से पहले रजनीकांत बस कंडक्टर थे। कंडक्टर की नौकरी के दौरान रजनीकांत के दोस्त ने उनके अंदर छिपे कलाकार को पहचान लिया। रजनी से ज्यादा विश्वास उनके दोस्त राजा बहादुर को था जिन्होंने उनके अभिनेता बनने के सपने को जिंदा रखा। बहादुर ने ही रजनीकांत को मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने के लिए कहा। दोनों में अभी तक गहरी दोस्ती है। महज 25 साल की उम्र में उन्होंने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। रजनीकांत की पहली तमिल फिल्म अपूर्वा रागनगाल थी। इस फिल्म में उनके साथ कमल हसन और श्री विद्या भी थी।
1975 से लेकर 1977 के बीच उनकी ज्यादातर फिल्में कमल हसन के साथ विलेन की भूमिका में थी। लीड रोल में उनकी पहली तमिल फिल्म 1978 में भैरवी आई। यह फिल्म काफी हिट रही और रजनीकांत टॉलीवुड में छा गए। तो वहीं उन्होंने हम, त्यागी, नमक हलाल, अंधा कानून, रोबोट, रावण जैसी हिंदी फिल्मों में भी काम कर लोगों का दिल जीत लिया। अब वो सिर्फ सुपरस्टार ही नहीं बल्कि तमिल सिनेमा के भगवान कहे जाने लगे हैं। उनकी एक्टिंग के दीवाने फैंस उन्हें भगवान से कम नहीं समझते। सिर्फ इतना ही नहीं, सुपरस्टार रजनीकांत एक ऐसा नाम है जो सिर्फ भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी एक अलग पहचान रखता है। उनकी हर फिल्म हिट ही नहीं बल्कि सुपर हिट साबित होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लगातार हिट पर हिट फिल्म देने वाले सुपरस्टार रजनीकांत की असल लाइफ में भी किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं है। जी हाँ, इस बात का अंदाजा उनकी कुल संपत्ति से लगाया जा सकता है। रजनीकांत के पास तकरीबन 334 करोड़ की संपत्ति है। रजनीकांत अपनी फिल्मों के अलावा शेयर्स, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट और स्टूडियोज में अपना पैसा लगाते हैं, इसलिए साउथ के रजनीकांत का अपने आप में एक बड़ा नाम है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप जुड़े रहें OTT इंडिया के साथ। रग रग में हिंदुस्तान। धन्यवाद।